नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवाऊंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक पड़खोरी ग्राम पंचायत में एक जमकर एक मामला सामने आया है, जहां पर मैं आपको अवगत करवा दूं कि यहां पर एक मामला देखा गया सरपंच के द्वारा प्रताड़ना, यानी कि सरपंच के द्वारा एक ट्रांसफार्मर को जो है डंडे से पीट पीट कर गांव की लाइटों को बुझा दी गई, यानी कि बंद कर दी गई है। इस वक्त अगर जो रोशनी आप देख रहे हैं ये वो रोशनी है जो टार्च की रोशनी के सामने मैं खड़ा हूं, और ये पूरे गांव ग्रामीणवासी जो है यहां पर मौजूद हैं, और इनकी शिकायतें जो हैं पुलिस को भी सूचित कर दिया गया, जेई को भी बता दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा रही कि एक ग्राम पंचायत का जब सरपंच इस तरीके का कृत्य करता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर में सरपंच की खुन्नस इन सब चीज़ों से क्यों और काहे। हम जानकारी लेंगे यहाँ के कुछ ग्रामीण वासियों से, क्या समस्या हुई भैया यहाँ पर बताएं। हेलो, हाँ, मेरा नाम श्रवण कुमार द्विवेदी है। हाँ। मेरी यही बाजू में देवी दाई के बाजू में मेरी दुकान है, बाउंड्री के बगल में। समस्या क्या है? समस्या है कि वो लाइट जो गांव का सरपंच है, मैं उसको पीटते नहीं देखा, लेकिन वो पीट के मेरे पास गया था बोलने के लिए। ये बोला कि मैं लाइट अभी पीट के आ रहा हूँ तोड़ के, बोला कि दो जम्फर मैं तोड़ दिया हूँ, एक जम्फर लगा हुआ है। सही बात है, एक जम्फर लगा है। वहाँ हम अकेले नहीं थे, 5 लोग थे। एक डॉक्टर साहब थे विपिन मिश्रा, और एक अनूप जायसवाल था, एक दीपू जायसवाल था, एक संदीप शुक्ला थे, जो वो लोग ऑटो में बैठे थे, हम लोग 2 आदमी कुर्सी में बैठे थे। तो क्यों क्यों पीटा भाई? हमारे घर की लाइट आज 20 दिन से नहीं जल रही है। हम जब तक हमारे घर की लाइट नहीं चालू होगी तब तक हम किसी की लाइट नहीं जलने देंगे। मतलब समस्या उसकी अगर घर की भी हो तो ट्रांसफार्मर से ही क्या दिक्कत है? अब आ गया आप लोग, यानी हम क्या बोले, गाड़ी गुप्ता हो गए जो कुछ करी था, गाड़ी सब का बोले क्या क्या ऐसा क्या हुआ? आगे ना बोली जा दी, आगे बनवाई पहले लाइट देखी का हो। ये मामला जो है यहाँ पर पुलिस भी आई थी अभी? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। पुलिस आई थी, क्या हुआ? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस आई, बस जानकारी ली और चली गई, बस हो गई। क्या जानकारी पुलिस ने ली? हो गई यही ली कि क्या नाम से गांव का लाइट कौन काटा क्या कैसा, आई देखी ताकि सब लाइट हो और चली गई, बोली सब लोग अब थाने में आएंगे। थाने में शिकायत करने के लिए बुलाई? जी। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? पड़खुरी। पड़खुरी है जी। अच्छा, तो ये कब हुआ लगभग ये जो ट्रांसफार्मर था? कि मैं शहडोल गया हुआ था, मैं शहडोल से वापस आया तो लाइट गांव की कटी हुई थी, तो हमने यहाँ पे इनके पास गया तो उन्होंने बताया कि क्या नाम से गाली वाली दे रहा था और लाइट आके पीट दिया है। जी, बस आए तो यही चल रहा है सर। पुलिस भी आज शिकायत करने के लिए बोली। इस पूरे मामले पर और भी लोगों से जानकारी लेंगे। हाँ बताएं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवलेश द्विवेदी है। क्या समस्या आपके गांव की? अब लाइट नहीं थी, हम आए दुकान सामान लेने तो बताए कि आए थे सरपंच साहब तो लाइट पीट के चले गए हैं। सरपंच ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मुझे मालूम नहीं है क्या है। अभी कोई कहते हैं कि उनके घर में लाइट नहीं जलती है, कोई कहते हैं क्या है कैसे, अब क्या जाने क्या दिक्कत है। लाइट नहीं जलती तो क्या मतलब गांव वालों ने बुझा दिया उनके घर की लाइट? अब ये हमको नहीं जानते, वही बता सकते हैं कि क्या है कैसे है क्या जरिया है। फिर भी मतलब खुन्नस अब पूरे ग्रामीणों को हो गई, पता नहीं। समस्या तो सबको है ना? हाँ, समस्या सबको। आपके घर में लाइट है? हमारे घर में लाइट नहीं है। नहीं है? लगभग कितने घरों में लाइट नहीं होगी? कम से कम 50-60। 50-60? 50-60 नहीं होगी। हाँ। ये ट्रांसफार्मर लगभग 50-60 घर को जाता है। हाँ। तो अब क्या किया जाएगा फिर? अब यही अनुरोध है कि बनवाए लाइट बिजली विभाग। कौन कौन बनवाएगा? अब बिजली विभाग बनवाए या फिर मतलब आज रात तो अंधेरे में कटने वाली है फिर? हाँ, तो कटने वाली है, मच्छर हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। और पानी सब बड़ी समस्या है, किल्लत पानी की भी हो। जी जी। और अगर कल नहीं बनी तब तो प्यासे मर जाना है फिर। जी जी। कुछ ग्रामीण के बुजुर्गों से बात करेंगे, क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे लाइट आए बताएंगे पीट पार दी नहीं, तो वह आन देखा तो पीटी पाटी पड़ी है। तो गांव के सरपंच ही ऐसा काहे कर रहे हैं? अब वो यही बता सकता है कि हम हमारे पास क्या उस उद्देश्य है, क्या करना चाहता है, क्या गांव से विरोध है कि गांव से लड़ाई है या लाइट से लड़ाई है उसकी क्या। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले भी कभी ऐसा हुआ? ऐसे बीच बीच में होता रहता है। कौन करता है? वही करते हैं सुरेश कौल, सरपंच ही करते हैं जी। तो खुन्नस है कुछ सभी से यहाँ? अब हमारा तो कोई खुन्नस किसी से नहीं ना, गांव वालों का किसी से खुन्नस है। ये कब सरपंच बने? अभी जो भी पहले अभी चुना हो 1-23 माह। मतलब पहली बार सरपंच बने यहाँ? हाँ, पहली बार सरपंच बने।
ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया यहाँ पर जानकारी के मुताबिक, आपको अवगत करवा दें कि ये ट्रांसफार्मर है जो हमारे पीछे है यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को जो है डंडे से पीट पीट कर, चूंकि करंट लगता, उसे होश हवास था सामने वाले को कि भाई होश में था इसलिए कि करंट लगता, इसलिए डंडे से उसने पीटा। और पीटने के बाद वहाँ से तार कुछ यहाँ तक गिरते हुए आया, जो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइट वगैरह गाँव में जो जाने वाली थी वो नहीं जाएगी, और एक समस्या जो है लगभग पूरे ग्रामीणों को होगी। और जो ग्रामीण वासी हैं, कुछ लोग यहाँ पर आकर खड़े हो गए कि भाई ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इस बात को जानने के लिए जो है पुलिस को भी सूचना दी गई और पुलिस को ये कंप्लेंट भी पहुंची। पुलिस को डायल 100 के तहत पुलिस यहाँ पर पहुंची और उन्होंने ये कह दिया कि आइए रिपोर्ट लिखाइए। और जेई से भी बात हुई, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार द्विवेदी है। लोगों ने बताया कि सरपंच सुरेश कोल ने लाइन को पीट दिया है। तब हमें यहाँ चार छह लोग थे, तब कहा कि भाई क्या किया जाए, रात में अंधेरा है। उसकी पता लगवाए तो पता चली कि वो है नहीं घर पे। वैसे पूछते हम लोग गांव के साधारण कि क्यों भाई किस कारण से पीट दिया हो। मानसिक स्थिति सही रहती है उनकी? पागल वागल नहीं, पागल वागल नहीं है, मानसिक स्थिति सही है। और एक प्रतिनिधि को इस तरह से न करना चाहिए। हो सकता है कि ये मानता हो कि वोट वोट ना दिए रहे हो इसलिए हम किसी के यहाँ लाइट नहीं जलने देंगे। उसकी माँ आई थी, कह रही थी कि हमारे घर की लाइट नहीं जल रही थी, तो शायद इसीलिए पीट दिया हो कि हमारे घर की लाइट नहीं जल रही थी। आपके घर की जल रही थी? हम लोगों के घर की जल रही थी लाइट, पूरे मोहल्ले में जितना कनेक्शन था इस ट्रांसफार्मर से। मतलब पर्सनल ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के घर से ही कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो? हाँ, घर से तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है लाइट का। मतलब जिसके घर में नहीं जल रही है उसके घर से भी तो समस्या हो सकती है। थी तो उसको सूचना देना चाहिए पुलिस को, बिजली विभाग को, और उचित कार्रवाई करना चाहिए। चूंकि वो सरपंच प्रतिनिधि है, वो गांव का प्रतिनिधि है, उसको सूचना दे करके इसको सुधरवाना चाहिए, ना कि आके और पीट देना चाहिए। एक खुन्नस देखा गया? हाँ, खुन्नस देखा गया, गलत काम किया। अपने घर का तो बनवा नहीं सके लेकिन बिगाड़ सबका, बिगाड़ दिया, निंदनीय काम किया प्रतिनिधि होकर के। इस ग्रामीण के द्वारा जो जानकारी मुझे मिली वो आपके सामने है, लेकिन हम जेई से बात करने वाले जो लोग हैं उनसे भी बात की जा रही थी। आपने जेई से बात किया? हाँ साहब, मैंने जेई साहब से बात किया। मेरे को श्रवण कुबेर द्विवेदी, दीपू द्विवेदी, भोले द्विवेदी और सरपंच यहाँ के भूतपूर्व सरपंच रमेश कुमार द्विवेदी हैं, इनसे भी मैंने बात किया, कई लोगों से बात किया, तो हमको स्थिति परिस्थिति बताए। तो मैंने जेई से सबसे पहले जेई से बात किया, फिर मैं टीआई साहब से बात किया, और जेई साहब ने बोला है कि आप लोग आवेदन दीजिए, मैं FIR कराता हूँ। अब समस्या इस बात की कि किसी घर में पानी नहीं है, किसी के घर में कोई बीमार है, उसके घर में लाइट पंखा नहीं चलेगा, बिना लाइट के कौन सो पाता है, तो मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। और रात को पूरा लाइट बंद कर दिया गया है, और ये तो हम कहते हैं कि ठीक है उसकी कोई समस्या थी, तो वो अपनी समस्या के लिए पूरा गांव उसकी समस्या के थोड़ी जिम्मेदार है। और मैंने कई लोगों से इस विषय में बात की है, कई पत्रकारों से बात की है। दूसरी बात, ये आए दिन हमारे यहाँ माहौल गंदा कर रहे हैं ये लोग। सबसे बड़ी तो मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती खुल के बोलने में। सबसे बड़ा यहाँ विषय है ब्राह्मणों से, है ना, यही फैक्टर लेके यहाँ चुनाव लड़ा गया है ना, और यही फैक्टर अभी आपके लोकसभा चुनाव में यहाँ दिखा कि मतलब ये लोग ऐसा ग्रुप बनाए थे कि वोटें नहीं डालने दे रहे थे, है ना। तो अब इतना किसी के पास टाइम नहीं कि हमारा कोई ज़्यादा भाषण बाजी सुनेगा, पर यह कि मुख्य बात मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब ये मतलब आदमी बर्दाश्त करते करते थक गया, तब आज इतने लोग कष्ट ही हैं। ऐसा कई बार हो चुका, एक बार की बात नहीं है, आए दिन ये होता रहता है। तो इसमें शासन प्रशासन को, अभी शासन तो नहीं पर प्रशासन को इसमें जो उचित कार्रवाई हो, मेरा निवेदन है कि उससे भी पूछा जाए कि क्यों ऐसा किया। अब इतने गांव के लोग हैं, कोई सब तो कोई एक आदमी झूठ बोल सकता है दो, लेकिन कोई ये तो नहीं हो सकता कि हर आदमी उसके खिलाफ है कोई झूठ बोले, किसी का उससे लेना देना तो नहीं है, है ना। तो इसमें प्रशासन को मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी उचित कार्रवाई हो, इतना कहूँगा। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ।
नहीं, आपने कहा ब्राह्मण को लेकर के, क्या जातिवाद है ऐसा कुछ? ये जातिवाद अब धीरे धीरे जातिवाद ये हो ही रहा है, ये पूरे जातिवाद तो आप देख रहे हैं, हर चुनाव में जातिवाद हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि कमलेश्वर पटेल जी जो है तो पूरा मतलब ब्राह्मण के यहाँ नहीं जा रहे हैं और किसी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सबसे कि हमको ऐसा वोट। तो आप दीपू सिंह जो प्रवक्ता है कांग्रेस का, उनका आप खोलिए वो क्या नाम से फेसबुक को देखिए, उसमें क्या बोल रहे हैं। मतलब उनको दूसरे कास्ट लोग चुनाव लड़ते हैं तो दूसरों कास्टों से नहीं, मतलब जातिगत चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही जातिवाद के ही मुद्दे पर तो इन्होंने सरपंच बना है ना, छोटे की हम ब्राह्मण ऐसा करते हैं, ब्राह्मण ऐसा करते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर से लाइट तो लगभग सभी को जाती रही होगी, क्या ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ब्राह्मणों को लाइट जा रही? नहीं, लाइट सबकी जा रही है। देखिए है क्या कि जो कोई दबंग होता है तो ये नहीं देखता कि मैं किसको क्या हो रहा है उसको क्या होता है ना, यहाँ दबंगई टाइप का है, मतलब मैं हूँ तो मैं सब कुछ हूँ, इसके अलावा कोई गांव में है ही नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात में यहाँ एक जवेन सवाल करके इसी गुट का है, मैंने उसको थोड़ी बोल दिया कि भाई ऐसा मत करो, हमारे यहाँ चुनाव हुआ 5 बार फोर्स आई है पड़खुरी में, इस बार 5 बार फोर्स आई है शिकायत करने पे। मैं बोल दिया कि तुम्हारा कोई नाम ले रहा है कि तुम शिकायत करियो, तो वो यहाँ गैस बेचता है तो हमको गैस नहीं दिया है ना, जबकि हमारा मतलब उसके पास हमारा एडवांस जमा है, पैसा ऐसा लग रहा है, तो हमको गैस नहीं दिया, बोला सीधी से ले आ लो। मतलब अगर कोई उचित बात भी कह दे तो इन लोगों को बुरा लग जाता है ना, तो इसलिए कहना बेकार है। हम आप आए हैं तो मैं आपके माध्यम से मैं TI साहब को, SP साहब को, कलेक्टर साहब को और यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय रीति पाठक जी, माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी अभी चुनाव लड़े हैं, उनको मैं अभी जनप्रतिनिधि नहीं बोल सकता, पर और जो है उनके संज्ञान में मैं ये बात लाना चाहता हूँ कि इस पे उचित कार्रवाई हो। अब ज़्यादा क्या बोलूँ, बस इतना मेरा निवेदन है आपसे। कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि ग्रामीण जन एक सरपंच से इतना ज़्यादा परेशान और त्रस्त हैं कि यहाँ तक कि कई आरोप देखे जा सकते हैं। पहले भी कई बार ये मामला देखा गया जहाँ पर जातिगत की भी बात सामने आ रही है कि उनका ये कहना होता है कि भाई यहाँ पर ब्राह्मणों का कुछ लोग हैं, उनको उनके साथ जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित उनको करना, ये सारी चीज़ देखी जा सकती है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि ये लाइट किसी की नहीं है, ये सबकी है और सार्वजनिक जो चीज़ें होती हैं उसको तोड़ा नहीं जा सकता और लगभग उस पर सभी का जो है एक तरीके से देखा जाए तो सभी को उपयोग की चीज होती है, तो सबको देखना भी पड़ता है। हाँ, क्या कहना है? गांव का वो सरपंच है, मैं प्रशासन और शासन से निवेदन ये कर रहा हूँ कि आज तक एक भी ग्राम सभा नहीं हुई है, तो कैसे पंचायत चल रही, कैसे मीटिंग नहीं हो रही, तो कैसे पंचायत चल रही, कैसे पैसा आ रहा है, इसकी भी इसको भी संज्ञान में लेते हुए इसके भी उचित कार्रवाई इसमें भी। देखिए ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दा था मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ऐसा कृत्य चल रहा है कितना मतलब वो है कि मतलब हमको कुछ करना नहीं है, हमको जो मन होगा मतलब जन सुनवाई नहीं होती। हाँ हाँ, मतलब एक भी यहाँ ग्राम सभा नहीं लगी है अभी तक, 1.5 वर्ष कार्यकाल हो गया है, तो कैसे पैसा आ रहा है, कैसे किसकी दस्तखत हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि इतना ज़्यादा मतलब शासन प्रशासन के नीचे सीधी से बहुत नज़दीक है गांव, तो इतना अशोभनीय है मेरे हिसाब से। बेशक अगर ये कहा जा सकता है तो इस ग्राम पंचायत की जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर में भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है काफ़ी परेशान और त्रस्त देखी जा रही है। अब मौके पर मैं मौजूद हूँ जो आपके सभी के सामने ये चीज़ें हैं कि ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं नुकसान जो देखी जा सकती है आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहे, देखना यही होगा कि इस पर प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेती है और JEE का जो है शिकायत आपके द्वारा दिया गया है, JEE क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।